तू बोल शिबू, अब तू बोल अंशु। हमारे गांव में घूमना हो एक दिन तो पहाड़ खोल हाथ ना टेले हैं। खोलो शाबाश, वेरी गुड। तो साथियों हमने इस बच्ची को भेज दिया है नीचे गांजे में और मैं तो पूरा डूबता हूँ यहाँ, मेरे जैसे दो डूबते हैं और बताओ नब्बू तो इसके हाथ में क्या है। इसमें भी हमारा धान है, इसमें दिखाते हैं आपको क्या है। तो ये देखिए हमारे अन्न, ये पूरा भर रखा है सर। और देखो इसमें है गेहूँ, आप देख सकते हैं ये है गेहूँ। नमस्कार साथियों, मैं नीरज खंडूड़ी देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गडोली गांव से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों आजकल मैं अपने गांव आ रखा हूं कल परसों का, और आजकल आपको पता ही है अब सावन आने वाला है। श्रावण के जो चार महीने होते हैं गांव में कैसा मौसम रहता है, बरसाती मौसम, गाँव की चारों तरफ आप देख सकते हैं बादल ही बादल लगे हुए हैं। तो चलो आज मैं आपको अपना पारंपरिक जो घर है और जो हमारा नव निर्मित घर है उसका होम टूर कराता हूँ आपको। तो चलिए वीडियो में मिलते हैं आपको आगे, और ये सब बच्चे यहाँ पर खेल भी रहे हैं तो इनसे भी मुखातिब कराएंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं फिर वीडियो में आगे। आ जाओ, गिरना मत। तो साथियों ये बच्चे आपसे कुछ दरख्वास्त करेंगे, तो क्या बोलना चाहेंगे नब्बू आप? तू बोल शिबू, अब तू बोल अंशु। हमारे गांव में घूमना हो एक दिन तो पहाड़। तो साथियों ये है हमारा पुराना घर ये, और ये है नया घर। तो एक एक करके दोनों की सैर कराते हैं आपको, और पुराने घर में दिखाता हूँ आपको हमारे जो पुराने अन्न के भंडार होते थे, क्या बोलते हैं भंडियारी, और जो गांजे होते थे जिनमें हमारा जो भी होता है धान वगैरह गेहूं इत्यादि जो भी दालें होती थी वो रखी जाती थी। अब उतना कहाँ देखने को मिलता है साथियों, अब तो होता ही नहीं है। हमारे इधर तो थोड़ा बहुत है भी, जब उधर की दूसरी तरफ देखें तो वहाँ तो बस लोगों ने सबको छोड़ दिया है और शहरों की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो चलते हैं आपको घर में दिखाते हैं क्या क्या होते हैं, और उसके नीचे जो होता है ओबरा और बोंडा वो भी दिखाता हूँ आपको। तो चलिए फिर क्यों ले चलते हैं आपको यहाँ पर हमारी विप्र मंडली बैठ रखी है। देखो क्या कर रहे हैं वो आप लोग, चुल्ली भांडी खेल रहे हैं। चुल्ली भांडी खेल ना कहा तो चुल्ली भांडी तो दिखा नहीं लगी वहां दिया वहां दिया। तो साथियों अब ये वैष्णवी है, ये आपको बताएगी घर में क्या क्या भंडियादी होती है, भंगार अलमारी जो भी है। तो चलो फिर अंदर चलते हैं। चल भाई वैस, चलो बच्चों सब चलो अंदर। ये देखो ये है हमारा पुराना घर। तो चलो भाई नब्बू, तो नब्बू बताएगी तो नब्बू ये क्या भंडियारी तक क्या रंधो झंगोरू है नब्बू यखो क्या रंध क्या रंध शिबू यखो भात दाल। तो फ्रेंड ले चलते हैं आपको भंडियारी में क्या क्या रहता है इनमें, आप देख सकते हैं यहाँ बर्तन भी रखे हुए हैं, और ये हमारा घर का धान है आप देख सकते हैं। अब कहाँ होता है दोस्तों, अब तो होता ही नहीं है, अब तो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ ऐसा है कि थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं लोग, नहीं तो ये अब संस्कृति धीरे धीरे विलोप ही हो रही है। तो साथियों इस भंडियादी का अवलोकन तो आपने कर लिया है, और ये वाली भी भंडियादी है, और ये वाले भी कपड़े रहते हैं। अब इधर चलते हैं ये वाली भंडियादी में, इसमें दिखाते हैं आपको क्या है। तो ये देखिए हमारे अन्न, ये पूरा भर रखा है साथियों धान से आप देख सकते हैं। ये है हमारे अन्न के भंडार जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं विलुप्त हो रहे हैं, अब कहाँ देखने को मिलती है ये चीज़ें, और ये उस समय की टेक्नोलॉजी है, अब तो बस मशीनें काम होता है। अब ये 40-50 साल पहले की कलाकृति है जो भी इस घर में आपको दिख रही है, और इसके अंदर भी कुछ होगा शायद,
यहाँ पे जर्किन वगैरह रख रखे हैं। और देखो इसमें इसमें है गेहूँ, आप देख सकते हैं ये है गेहूँ। तो ऐसे रहता है साथियों गांव में हमारे अन्न के भंडार। और इस वाली अलमारी में भी कुछ होगा, यहाँ तो अभी ऐसे कपड़े वपड़े रख रखे हैं। अब चलते हैं आपको, ये नीचे रहते हैं गांजे, अब गांजे दिखाते हैं आपको। एक भंडियारी हो गई, एक ये हो गई, इसमें हमारे हथियार वगैरह हैं, दरांती कुदाल वगैरह कुल्हाड़ी, और इन सब में अन्न है, इसमें भी इसमें भी, इसमें गेहूँ है, इसमें धान है, और उसमें कुछ दालें हैं। अब चलते हैं नीचे, क्या है गांजे, ये है गांजे। तो क्या है सिब्बू, क्या है ये गांजा ना, क्या अन सुई क्या ना बुई क्या रहा नहीं हूं गेहूँ और मुझसे भी रंध ना बर्तन वगैरह। हाँ हाँ चलो, तो अब खा लामी मैं, चलो फिर अब चलो, जो हिल रहा था हाँ ये वाला, चलो खोलो बच्चों इसको, खोल हाथ ना टेले आए, खोलो 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 खोलो, शाबाश वेरी गुड। तो साथियों आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े भंडार रहते हैं अन्न के, आप देख सकते हैं इसमें हमारे बर्तन है, परात वगैरह, फुचलटा जो भी रहता है, और इसमें आपको धान भी दिखेगा नीचे। भेजो एक बच्चे को नीचे। तो साथियों हमने इस बच्चे को भेज दिया है नीचे गांजे में, और मैं तो पूरा डूबता हूँ यहाँ, मेरे जैसे दो डूबते हैं। और बता भाई सिब्बू नब्बू, तो इसके हाथ में क्या है, इसमें भी हमारा धान है, थालियाँ वगैरह पराते हैं, और ये पूरा धान से भर रखा है आधा, और इसमें फिर आधा बर्तन है ऊपर। और देखो देना बुकी कि बिहाड़ा हाथन खरवा दे मुस्सा पुआर यार, कौन पर क्या तक ना छोड़ दी, कौन पर यार देना बू गेहूँ तक ना यार दे ना, चलो फिर आ जाओ ऊपर खींच भाई तीन। इसके पैजामे भी लग गया पीछे से कुछ जावा, चलो फिर तो ये है कुछ, और इनमें फड़ी फुड़ी भी लगी लग जाती है क्योंकि बहुत देर बाद खुलते हैं। और हम गांव में क्या होता है साथियों, हम इसी धान को खाते हैं अक्सर। हट दो बेटा, अब इसको बंद कर देते हैं, हटो 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 अब नहीं। तो साथियों ये ऐसे होते हैं कुछ हमारे पारंपरिक घरों का जो अन्न के भंडार रहते हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं। ये पूरे नीचे की तरफ गांजे हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरफ पूरा, और ये पूरी इस तरफ भंडियाली है। ये देखिए मेरे दो मेरी चुन्नी है। तो साथियों अब ले चलते हैं आपको छोटे से घर में, ये है हमारा रसवाड़ा घर का, ये देखो यहाँ की लकड़ियाँ, और ये है हमारा चूल्हा, और ये तुम क्या ले ले करना, आग जगाना नहीं दूफरी। तो ये है हमारा चूल्हा पारंपरिक, बस। और ये यहाँ सबके रसोईया बन रखे हैं। फ्रेंड्स अब इस घर से ले चलते हैं आपको नए घर की तरफ। इस घर का अवलोकन आप सभी ने कर दिया है, इसमें भी ऐसी है जैसे इस रूम में था, और ये यहाँ की बगली है, और इधर भी बगली है, और यहाँ से कुछ गांव का नजारा ऐसा है। यहाँ देखिए यहाँ सो भी सकते हैं, यहाँ देखिए हाय। और फ्रेंड्स ये जो हमारे ऊपर की सीलिंग है देखो पूरी काली हो रही है धुएं धुएं से, और इसमें हमारे क्या ऊपर औजार रहते हैं आप देख सकते हैं। हल का आगे वाला पोर्शन रखा हुआ है, इसको हमारी भाषा में नसियुड़ा बोलते हैं, रस्सियाँ हैं, और ये इधर जो जो आपको सामान दिख रहा होगा बच्चों का, ये सब हमारे औजार हथियार हैं। तो फ्रेंड अब ले चलते हैं आपको नए घर की तरफ। चलो 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 साथी, ये बच्चे जा रहे हैं अब नए घर में, और ये है मेरे भतीजे लोगों का प्यारा सा घर, और ये मेरी सुंदर सी भतीजी, कोई इच्छुक है तो बता दें। और इस बहुत गुर चिट्टी, और ये है इनका पूरा घर, और ये है हमारा यहाँ पर नया घर। तो चलो इसका अवलोकन कराते हैं आपको। तो साथियों आप ले चलते हैं आपको इस घर के अंदर,
इसको अभी 2-4 महीने हुए हैं बनाए हुए, और इसका जो प्रवेश गृह प्रवेश वाली वीडियो थी उस दिन शूट नहीं कर पाया, तो चलो आज शेयर करा लेते हैं आपको इसके अंदर की। चलो फिर अंदर चलते हैं रूम में। चलिए अंदर। ये देखिए, तो साथियों ये हमारा डाइनिंग रूम, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये है किचन, और ये दूसरा वाला है पूजा रूम। तो चलिए एक एक करके दिखाते हैं आपको। अब चलते हैं, ये है किचन और ये वाला है पूजा रूम। तो चलिए पहले किचन में चलते हैं, उसके बाद फिर बेडरूम पूजा के रूम सब में चलेंगे। तो चलिए, ये हमारा पहाड़ी किचन, और आप देख सकते हैं ये किचन है, ये इधर खाने पीने की वस्तुएं हैं, और ये मॉड्यूलर किचन बनाने की सोची थी, और जितना भी बन पाया है वो बना दिया है। और इधर ये हमारी पानी की गागर है, इधर बर्तन बर्तन होंगे, इसमें गिलास कटोरियां, इसमें सब्जी वगैरह, और बस ये है इधर अपना गैस चूल्हा होगा, बस एक ही करके ये अपना खाना। और यहाँ पे सिलबट्टा, और ये नन्हे मुन्नी मच्छी आ रही है दरवाजे। और इधर है अपना खेत और खलिहान, आजकल खीरा इत्यादि की बेल लगी हुई है, उधर मक्की वगैरह है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे बेडरूम में। ये है हमारा सेकंड बेडरूम, पुराने घर में आपने देखा होगा साथियों गांजा और भंडियाली वगैरह सब थी, इसमें ही बस ये मॉडर्न चीज़ें लग रखी हैं, अलमारी वगैरह। अब चलते हैं, और ये कुछ इस प्रकार दिख रहा हूँ मैं, इसमें क्या क्या है, इसमें साड़ी सूड़ी है, बैग बैग है। तो चलिए फिर दूसरे रूम में, और यहाँ से दूसरा एग्जिट भी है बाहर के लिए, सीधा यहाँ से फिर गली है, गली से फिर अंदर। तो चलते हैं दूसरे रूम में, और ये देखो ये नन्हे मुन्ने भी आ रखे हैं। क्या कर रहे हैं शिबू आप, हैं? अब चलते हैं तीसरे रूम में, ये वाले, ये वैसे बैठक रूम भी है, मीटिंग रूम, गेस्ट रूम, और इसका कुछ इस प्रकार का डिजाइन है।
ये देखो नब्बू, तुम क्या कर रहे? हाँ? क्या बोल रहे शिबू? तुम खेल ले, खेल खेलो। और ये वाली ट्रॉफी हमने गलत से जीत के ला रखी पिछली बार। अब चलते हैं आपको चौथे रूम में लेके। ये आप देख सकते हैं, ये है फोर्थ रूम। दिखाले और इस रूम के साथ एक अटैच बाथरूम कम टॉयलेट भी है। तो चलते हैं अंदर, इसमें भी बस ये है टॉयलेट। तो चलते हैं फिर बाहर। अब चलते हैं आपको सेंटर पॉइंट में लेके। तो साथियों आप घर से आपको बाहर लेके चलते हैं और इसके रूफ के ऊपर भी चलते हैं, स्लैब के ऊपर, इसकी छत के ऊपर। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर यहाँ से गांव का नज़ारा भी दिखाऊंगा और वहीं पर वीडियो को भी समाप्त कर देंगे। और इनका काम चल रहा है यहाँ पे, कुछ बॉल में हवा भर रहे हैं। अब चलते हैं यहाँ से बाहर। ये है मेरे साथ दोनों सहयोगी शिवांशी और नब्बू, और चलते हैं इसकी छत के ऊपर। चलो फिर अब चलते हैं छत पे। आ जाओ नब्बू। आओ आओ आराम आराम से। और ये है इसका कुछ रूफ कवर और अब चलो आपको पहाड़ों के नज़ारे दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये है कुछ गांव का नज़ारा, वहाँ तक है हमारा गांव। ये जो आपको घर दिख रहा है इधर, और आप देख सकते हैं आजकल अब बरसाती मौसम है, चौमासा आ गया है, बादल बादल, सुबह भी बारिश हुई थी और
अभी धूप आ रही है तेज, अभी देख सकते हैं। तो साथियों ऐसा कुछ है हमारा गांव का घर। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो अपने साथियों तक जरूर साझा करें इस वीडियो को। मिलते हैं आपको ऐसी किसी नई वीडियो में, नई बातों के साथ, नई लाइफस्टाइल में, नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखना दोस्तों। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आई लव यू ऑल माई फ्रेंड। जय हिंद और जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।